हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम फोटोशॉप 7.0 वर्ज़न फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फुल वर्ज़न है और मैं आपको इसको इंस्टॉल करना ही बताऊँगा। तो गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये फ़ोटोशॉप का जो ये जिप फाइल है, इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फ़ोटोशॉप पर डाउनलोड करने का, आप उस लिंक पर आ जाइएगा। तो आप ऐसे इस जगह पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सिर्फ 160 MB का है, तो आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर जब ये डाउनलोड हो जाए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो गाइस, शुरू करते हैं इंस्टॉल करना। तो गाइस, सबसे पहले तो हमको ये जो हमारा एक्सट्रैक्टेड फाइल है, मतलब जिप फाइल है, कंप्रेस्ड फाइल है, जिसको हमें डाउनलोड करना, जो हमने अभी डाउनलोड करी है, इसको ओपन करना है। ये मैंने डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर ली थी आपको दिखाने के लिए। इसको एक्सट्रैक्ट करना है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है। अब जैसे कि देखिए, ये फोटोशॉप का जो फोल्डर है आ गया। इसके अंदर एक और फोल्डर होगा फोटोशॉप 7.0। इसके बाद आपको ये जो सेटअप है, ये सेटअप इस पर थोड़ा मॉनिटर जैसा कुछ बना है आइकन, एप्लीकेशन फाइल है 88 KB की, इसको आपको रन करना है। अब ये रन हो रहा है। जब ये रन हो जाए तो आपको ये थोड़ा सा कुछ देता है वार्निंग वगैरह, पर आप इसको बस आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसके बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं तो US इंग्लिश करूँगा क्योंकि और तो भाई नहीं आती यार। उसके बाद यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसके पूरे एक बार इसको पूरा स्क्रॉल कर लीजिएगा, फिर इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर आप इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, अब गाइस यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर है, ये जो सीरियल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें जाना है और इसको कॉपी कर लेना है। आप एक बार इसको देख लीजिए स्क्रीन पे, अगर आपको कॉपी करने में कोई दिक्कत होती है तो उसे राइट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे आना है, फिर पेस्ट कर देना है। ये पूरा पेस्ट हो जाएगा एक बार में, उसके बाद आपको बस नेक्स्ट कर देना है। ये आएगा, इसको आप यस कर दीजिएगा। इसको आप टिपिकल रखिएगा, कस्टम थोड़ा सा एडवांस यूज़र के लिए हो जाता है, पर ये मोस्ट यूज़र के लिए रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र। अब मैं आपको इसको सी में, आप जहाँ चाहें ब्राउज करके चेंज कर सकते हैं, जिधर भी आप चाहें। तो मैं सी में ही रखता हूँ। फिर आप इधर देख लीजिए, ये आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी फाइल्स बनानी है, GIF वगैरह। अब अगर आपको फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में चाहिए तो आप ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। थोड़ा अगर आपका थोड़ा PC अगर स्लो है तो थोड़ा और टाइम ले सकता है। अब ये देखिए, जैसे कि डिस्प्ले फोटोशॉप रीडमी फाइल, तो उसको अब मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये इसकी रीडमी फाइल आ जाएगी, इसको पढ़ना चाहो आप पढ़ लेना भाई, हमें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो अब इसमें हमको कोई भी क्रैक फाइल वगैरह कुछ भी कॉपी वगैरह कुछ नहीं करना है। बस अब आपको मस्त आराम से इसको रन करना है। देखो मक्खन, देखो ये आ गया अपना एडोब फोटोशॉप 7.0 में करेंटली प्राइमरी स्केच विंडो जैसा बोलेगा। उसको भी स्टार्ट कर ओके कर दीजिएगा, और आपके में ना बोले ये भी कुछ दिक्कत नहीं है। अब इसको कर दीजिएगा डू नॉट डिस्प्ले दिस डायलॉग अगेन, इसको यस कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वगैरह पूछेगा, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा फोटोशॉप आ गया है। मैं आपको इस पर एक छोटी मोटी शेप वगैरह बना के भी दिखा देता हूँ। कौन सा सेटिंग, 640 है।
गाइस ये बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा स्माइली बना दिया है, ये ऐसे कर देता हूँ। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छा सा स्माइली बन चुका है। चलो एक स्माइल और दे देते हैं इसको। इसी आप देख सकते हैं हमारा स्माइली बन गया। आप इसको सेव कर दीजिएगा, फाइल सेव है, जो भी आप चाहो यार JPG वगैरह आप जो चाहो सेव कर सकते हो। इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा आराम से मतलब वर्क कर रहा है, कोई भी मेरे को एरर वगैरह तो अभी तक कोई आई नहीं है। और गाइस अगर कोई एरर आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा कि वो आपके दोस्त और आपके जो भी आप जिसको शेयर करें वो भी इस फोटोशॉप को डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सके। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।